बताएंगे। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जीवित बुजुर्ग को मुर्दा घोषित करने वाली खबर में हुई है कार्रवाई। जीवित बुजुर्ग जगदीश को कागजों में मृत घोषित दिखा दिया गया था, गांव के सचिव ने किया था ये कारनामा। बुजुर्ग अपने आप को जीवित होने के लिए लगा रहा था कार्यालयों के चक्कर। बुजुर्ग जगदीश का समाज कल्याण विभाग ने माना जीवित, पेंशन के आवेदन का समाज कल्याण ने लिया संज्ञान, बुजुर्ग की रुकी हुई पेंशन जारी होगी। खड्डा विकासखंड के ग्राम सभा सौराना गांव का ये मामला है। जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद अधिकारी की नींद खुली, ये तो व्यक्ति जिंदा है जिसकी पेंशन आपने काट दी और वो पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा था, तो वहाँ जहाँ जा रहा था वो समाज कल्याण विभाग में वो कह रहे थे आप तो मृत हैं, आपको पेंशन नहीं दी जा सकती। जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया कि ये तो जिंदा है और खबर का असर हुआ, अब बुजुर्ग की पेंशन फिर से जारी रहेगी। बुजुर्ग लगा रहा था कार्यालयों का चक्कर, कह रहा था कि साहब मैं तो जिंदा हूं, समाज कल्याण ने लिया पूरे मामले का संज्ञान, क्योंकि गलती इसमें बताया जा रहा है कि जो थी वो गांव के सचिव ने गलती की थी। प्रमोद गौड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट किया। प्रमोद, जी मीडिया ने खबर दिखाई उसके बाद असर हुआ, इस बुजुर्ग की पेंशन फिर से लगेगी? देखिए मामला जो खड्डा विकास खंड के ग्राम सभा सौरोना का है, जहां पे प्रशासन ने माना है कि जो जिसको कागजों में मुर्दा घोषित किया गया था वो कागजों में जिंदा हो गया, क्योंकि सचिव की वजह से कागजों में इसको मृत घोषित किया गया था, क्योंकि इसने पेंशन का आवेदन किया था और पेंशन को जो सचिव होते हैं वो प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित में उसने जो सचिव के द्वारा था बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया था। 69 वर्षीय जगदीश कागजों में मृत घोषित होने के बाद वो लगातार अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए तमाम अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। जब वो थक हार गए तब वो मीडिया के सामने आए, जिसके बाद जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से कुशीनगर समाज कल्याण ने मामले का संज्ञान लिया और उनके घर पे पहुंचकर बुजुर्ग को पेंशन का कागज सौंपते हुए कहा कि चाचा आप अब जिंदा हैं और आपकी अब पेंशन शुरू कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद हमारे सहयोगी कुशीनगर से हमें जानकारी दे रहे थे।